कभी भी मंदिर में जाइए ना, ऊपर ऊपर मत ताकिए। कई लोग जाते हैं मंदिर में तो पहले झूमर देखेंगे, बहुत भारी है, कौन काम का, कितना सुंदर टाइल्स है, कब हमको ये भगवान जी अगर घर दिए यही वाला संगमरमर लगवाएंगे, बहुत सुंदर। आप इतना कठिनाई और इतनी मेहनत करके टाइल्स देखने ही तो गए थे, उससे बढ़िया सेनेटरी की दुकान पे चले जाते, हार्डवेयर की शॉप पे जहाँ टाइल्स हो, पत्थर हो, झूमर हो, दुकान घूम के आ जाते। आप ये करने तो नहीं गए हो ना। दर्शन करते समय कुछ बातों का ना बड़े अच्छे से ख्याल रखिए। जब दर्शन करने जाइए तो ये जरूरी नहीं कि सबको ठेल के हम ही को सबसे पहले दर्शन करना है। इस स्वभाव से बचिए, ये जो धक्का मुक्की मारा पीटी काऊ के प्राण चले जाए तो चले जाए, हम का करेंगे, हमको दर्शन करना है। अरे आपको तो इनको देखना है, थोड़ा इस बात का ख्याल करो कि इनको किनको देखना है। क्या पता जिसको आप कोहनिये कोहनी मार के हटा रहे हो, क्या पता ये उसी के इंतजार में बैठे हो। तो हम अगर इन्हें हमको दर्शन देना है तो ये लाख आपके पास उपाय ना हो ये रास्ता निकाल देंगे। ये जिसको देखना चाहते हैं ना अपने आप उसको अपने सामने लाकर खड़ा कर लेते हैं। भाई इसके लिए आपका प्रयास चलने वाला नहीं है कि सबको ढकेल के जाएंगे तो ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है लोग जब सोचते हैं ना अपनी काबिलियत पे, वो VIP वाला कार्ड लेके दर्शन कर लेंगे, जाते तो हैं पता चलता है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं 3 घंटा बैठो, अब उनके पास आधे घंटे की भी फुर्सत नहीं है तो पुजारी जगह घरे जाओ फिर आना बाद में। अपने मेहनत से या अपनी बुद्धि या धन के बल से कोई इनको प्राप्त नहीं कर सकता है। और सही बताऊं दर्शन करने की सबसे अच्छी जगह होती है पाछे। पीछे से आपको जितना बढ़िया दर्शन मिलेगा ना कोई ढकेलने वाला और ना कोई चलो 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 करने वाला, आराम से ठहर के 10 मिनट देखो चाहे 20 मिनट देखो। इनको देखने का मतलब ये है कि जो और इनके लिए आए हैं ना उनका ऐसा ना हो कि तुम करो या ना करो हम करें। सूरदास जी महाराज नित्य प्रति जाते थे ठाकुर जी के दर्शन करने। किसी ने सूरदास जी से कहा बाबा हम आंख वाले हैं, हम दर्शन करने जाएं समझ में आता है, आपको तो दिखाई भी नहीं देता, आपका रोज लाठी लेके टुकटुकाते पहुंच जाते हो, आपको तो दिखता भी नहीं है। सूरदास जी ने कहा अरे भैया मैं भले ही अंधा हूँ नेत्रहीन हूँ पर जिसके सामने जाता हूँ वो तो अरबों खरबों आंखों वाला है ना, मैं उसको देख पाऊं या ना देख पाऊं वो मुझे देख ले, मेरे लिए ये जरूरी है। स्वभाव यही बनाइए। और दूसरी चीज का ध्यान रखिए जो मैंने प्रथम में अभी कहा कि अगर भगवान के लिए जा रहे हैं ना तो बस भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। कई लोग इतनी मेहनत से 3 घंटा लाइन लगा के पहुंचते हैं और समन्वा पहुंचते हैं अखिया बंद कर लेते हैं। अब वो आंखें बंद करके भी का करते हैं वो आपको पता होगा, आप तो समझ ही रहे होंगे का करते हैं, वो डिटेल याद करते हैं अंदर से। इतने वो कहते ना कि ये इच्छा पूर्ति वाला मंदिर है तो अब वो सारा याद भी तो करना है, कछु एक आठ छूट गया तो घरे बैठ के पछताओगे नहीं, अरे ये वाला तो बाकी रह गया। तो आप सोचो अगर मन्नत वाली बात है तो ये भगवान हर जगह घरे बैठ के ही मांग लो, लेकिन अगर आप इनके लिए जा रहे हो तो सब कुछ भूल करके फिर सिर्फ इनको देखो। जिसके हृदय में इनको देखने का स्वभाव बन गया ना, लोग कहते हैं हमारा मुंह कैसे छूटेगा, हम छोड़ना चाहते हैं, अरे छोड़ने वाले कहाँ छोड़ पाए हैं। जो इनके चरणों में लगा रहा उसका अपने आप सब छूट गया है, प्रयास से नहीं भजन के प्रभाव से छूटा है। जबरदस्ती छोड़ने वाला घर तो छोड़ देता है पर घरवा उसको नहीं छोड़ता है, रह रह के घर की याद आती है, तो ये छोड़ना हुआ क्या। इससे बढ़िया तो घर के मखमल के गद्दे पे ही बैठे रहो पर याद करते रहो। जहां जिस अवस्था में रहिए भगवान ने कहीं पर कुछ त्यागने की बात नहीं कही है कि घर द्वार मोह माया, अरे माया की दुनिया में आए हैं तो माया से बच के कैसे रहेंगे। काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में कोई सफेद कपड़ा पहन के जाए और सोचे एक भी कालिख ना लगे ये संभव नहीं है।
ये दुनिया भी तो वैसी ही है, माया की दुनिया है, मोह की दुनिया है, इससे बच के नहीं रह सकते हो। अगर यहाँ रहना है तो सब करना पड़ेगा। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, दोनों चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर रहते हुए बिना कुछ त्यागे बस इनको जोड़ लेना है। मैं यहाँ से देखती हूँ, ऐसे तो मुझे देखने में लगता है कहीं सांस लेने की जगह नहीं है, लेकिन जब कोई खास आता है ना दूर से इशारा, आ जाओ, तो कहेंगे जगह, कहेंगे आ तो जाओ, अभी ढकेल वकेल के बन जाएगी जगह। करते हो ना, ईमानदारी से बताइए, किसके लिए करते हैं जो खास होता है और जिससे जान पहचान ना हो। वो भैया मूड़ी पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ उसके लिए जगह वह रहेगी तो और पैर पसार लेते हैं। गलती से भी ये टिकना नहीं चाहिए। जीवन में ध्यान रखिए, भगवान के लिए भी बस ऐसे ही जिंदगी के हर व्यस्ततम चीज में से थोड़ी सी जगह बनानी है, थोड़ी सी जगह। कि सरकार, अगर मेरे परिवार में 6 लोग हैं तो आप मेरे 7वें सदस्य हो। जो चीज मैं 6 के लिए करूंगा या करूंगी वो 7वें के लिए भी होगी, ये अपनत्व है। हम और आप भगवान को सिर्फ भगवान मानते हैं, इसीलिए एक दूरी रह जाती है। जिस तरह से आप इतने सारे मिथिलावासी बैठे हैं, किसी के मन में किशोरी जी के लिए बहन का भाव होगा, किसी के हृदय में बेटी का भाव होगा। अगर बेटी आपने किशोरी जी को मान लिया तो राम जी क्या हो गए, आपके बहुना हो गए, जमाई राजा हो गए। बहन मान लिया तो अपने आप ये बहनोई हो गए। इनमें से किसी से भी अगर आपका एक संबंध बन गया, एक कन्या का जब विवाह होता है वो किसी की कुछ नहीं लगती है और कोई उसका कुछ नहीं लगता है, एकमात्र पति प्राप्त हुआ, अब चाचा चाची काका काकी बुआ फूफा मामा मामी बुआ सास फलाना सास, दुनिया के रिश्ते ऑटोमेटिक उसके हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। केवल एक से संबंध जुड़ा और सब अपने हो गए, उसी प्रकार एकमात्र भगवान से जिस दिन हमारा संबंध हो गया, दुनिया की हर एक चीज हमारी हो जाएगी, फिर किसी चीज की आपको कमी होने वाली नहीं है। पर संबंध जोड़ने का प्रयास बनाइए। मैया ने नेत्र के रास्ते से राघव जी को अपने हृदय में बिठा लिया। अब हृदय में बिठाया तो है, सोच रही है, सरकार आप तो भीतर आए और आते ही हमारे अंग प्रत्यंग में ही झगड़ा शुरू हो गया। आंखों में रखती हूँ तो मन तड़पता है, मन में रखती हूँ तो आंखें रोती हैं। आप बताओ आपको कहाँ रखूं। तब तक सखियों ने कहा, वैदेही अरे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, गौरी माँ का ध्यान बाद में करना, पहले देख तो लो। अब मैया को जैसे ही सखियों का निर्देश मिला, मैया ने दर्शन किए। अब दर्शन करते ही मैया के जो हृदय की भावना थी, मैया के हृदय में एक भावना ये जग गई, मैया थोड़ी व्याकुल हो उठी। हमारे संत कहते हैं क्यों व्याकुल हुई, मैया ने राघव जी के हाथों में फूल का दोना देखा और उस फूल की डलिया में गिने चुने 4-5 फूल थे, लेकिन राघव जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदे। अब जैसे ही ये स्थिति देखी, गौरी मैया ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, इनको मैंने अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये इतने कोमल हैं कि एक फूल की डलिया उठाने में, फूल तोड़ने में ये थक गए, और हमारे बाबा जनक जी ने तो उतने बड़े धनुष को उठाने का प्रण लिया है, जो फूल का भार नहीं उठा पा रहे वो उतने बड़े धनुष का भार कैसे उठा पाएंगे। मन में व्याकुलता हुई। और दूसरी बात, मैया जानकी जब पहले पूजन की किया उन्होंने तो गौरी माँ से कहा था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया से कहा था, मुझे मेरे अनुरूप वर दे दो माँ, जो आपको लगे। अब जब माँ को राघव जी के दर्शन हो गए तो हम आप क्या करते हैं, काम पूरा होने के बाद भगवान की याद आती नहीं है। पर मैया का भाव देखिए, पुनः गौरी माँ के पास गई, अभिवादन करने की, माँ आपने मेरे मन की बात सुन ली।